गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड में राइटिंग सेक्शन अर्थात लेखन भाग में निबंध करवाऊंगी। निबंध को हम इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं, तो आइए देखते हैं निबंध। देखिए, निबंध में दो बातें मुख्य होती है, क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए। क्या कहा जाए के अंतर्गत विषय के सब पहलू आते हैं, हमें विषय की एक एक बात को क्रम से लिखना चाहिए। कैसे कहा जाए के अंतर्गत निबंध की भाषा और शैली आती है। कभी कभी हम अपनी बात को रोचक रूप से लिखने के लिए किसी घटना या कहानी का सहारा भी लेते हैं, तो कभी किसी कविता या कहावत का, कभी किसी महापुरुष के कथन का उल्लेख करते हैं, तो कभी किसी सूक्ति से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हो सके भाषा सरल सुबोध और रोचक होनी चाहिए। किसी कहानी या घटना के उल्लेख से निबंध जानदार बन जाता है। अब देखिए, सर्वप्रथम हम निबंध देखते हैं स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत, इसके बारे में आपको बताने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्वयं इस बात को समझ रहे हैं, जानते भी हैं कि कौन स्वच्छता नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। फिर हमारे चारों ओर इतनी गंदगी क्यों है? क्योंकि हम परिश्रम से घबराते हैं। स्वच्छता अपने आप नहीं हो जाती, इसके लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। जहाँ का वातावरण धूल मिट्टी और आंधी से भरा रहता है, वहां तो नित्य सफाई करनी पड़ती है, वहां स्वच्छ रहना किसी तपस्या से कम नहीं है। तो ये जो पैराग्राफ है, आप इसको लिखेंगे प्रस्तावना में। आप इसको क्या नाम देंगे? प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्शन। स्वच्छ भारत का इंट्रोडक्शन आप क्या दोगे? इसको प्रस्तावना दोगे आप। नेक्स्ट देखिए, अस्वच्छता अपने आप तो फैलती ही है, लोगों द्वारा भी फैलाई जाती है, तो इसमें आप लिखे अस्वच्छता के कारण। इसमें हेडिंग क्या डालोगे? अस्वच्छता के कारण। तो अस्वच्छता अपने आप तो फैलती ही नहीं है, लोगों द्वारा फैलाई जाती है। खा पी कर कहीं भी कूड़ा फेंक दिया जाता है, कहीं भी थूक या मल त्याग कर देना, ऐसी आदतें हैं जिनसे पूरा देश कूड़ा घर बन सकता है। अब देखिए, इसमें आप जैसे ये तो पूरा एक साथ ऐसे दे रखा है, लेकिन आप इसको पैराग्राफ्स में बांटेंगे और आगे इसकी हेडिंग डालेंगे। जैसे पहले प्रस्तावना डाली, सेकंड वाले में अस्वच्छता के कारण डालेंगे। वे कूड़े को कूड़ेदान में डालना बेकार की बात मानते हैं, परिणाम स्वरूप उनके घर आंगन मोहल्ले नगर देश सब जगह गंदगी ही गंदगी नजर आती है। दूसरी ओर जिन्हें कूड़ा फैलाना पाप और अपराध प्रतीत होता है, वे भूलकर भी जहां तहां कूड़ा नहीं फैलाते, इसलिए उनके घर मोहल्ले नगर आदि चमकते दिखाई देते हैं। फिर आप देखिए, इसके आगे आप लिखोगे स्वच्छता के उपाय। स्वच्छता एक महान आदत है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। यह आदत दो जगहों से सीखी जा सकती है, घर से और विद्यालय से। यदि घर में कूड़ेदान है और बच्चों को कूड़ेदान का प्रयोग करना सिखाया जाता है, तो घर स्वच्छ रहेगा, ऐसे बच्चे विद्यालय को भी साफ स्वच्छ रखेंगे। जिन्हें घर में यह आदत नहीं डाली जाती, वे यह आदत विद्यालय से सीख सकते हैं। साफ सुथरे स्थल भी हमें स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते हैं। हवाई अड्डे, 5 सितारा होटल, बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल प्रायः साफ सुथरे होते हैं, जहां जाकर बिगड़े हुए लोग भी अपनी आदतें सुधार लेते हैं। प्रायः हवाई अड्डों पर कोई गंदगी नहीं फैलाता, मंदिर को भी लोग साफ सुथरा रखते हैं। गंदगी फैलने का एक कारण उचित प्रबंधों का न होना भी है। यदि पूरे बाजार और नगर में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं होगा, तो लोग खुले में मल त्याग करेंगे ही। यदि जगह जगह कूड़ेदान नहीं है, तो लोग इधर उधर कूड़ा फैलाएंगे ही। यहाँ तक आप लिखेंगे स्वच्छता के उपाय। फिर आप लिखेंगे वास्तव में कूड़े, यहाँ तक लिखेंगे वास्तव में कूड़े को निपटाने की उचित व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। यहाँ तक आप लिखेंगे स्वच्छता के उपाय। फिर आप लास्ट में लिखेंगे इसका उपसंहार। उपसंहार यानी पूरा आपने निबंध लिखा, इससे आपको क्या सीख मिल रही है, क्या आप देना चाह रहे हैं, वो लास्ट में उसकी 2-3 लाइनें। जैसे अपन कहानी के अंदर शिक्षा लिखते हैं, वैसे निबंध में उपसंहार यानी उसका रिजल्ट क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे सौभाग्य से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए कमर कस ली है। हमें आशा है कि भारत के सभी नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता अवश्य आएगी और भारत विश्व का स्वच्छतम देश बनेगा, पर एक बात याद रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। आदर्श विद्यार्थी, हमने स्वच्छता पे पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आदर्श विद्यार्थी। अच्छा, निबंध में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पंक्ति आती है,
कोई ऐसी दोहे की लाइनें आती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे स्वच्छता वाले में हमने ऐड की थी, कब बनेगा स्वच्छ भारत, कब बनेगा स्वस्थ भारत, जब सभी संकल्प लेंगे तब बनेगा स्वच्छ भारत। इसी तरीके से आदर्श विद्यार्थी में आप लिख सकते हैं, ज्ञान की है प्यास जिसमें वो सफल विद्यार्थी, लक्ष्य पर है आंख जिसकी वो सफल विद्यार्थी। अब देखें आप ये दो लाइनें लिखने के बाद में लिखेंगे प्रस्थान। विद्यार्थी उसे कहते हैं जो विद्या का अर्जन करता है। आदर्श विद्यार्थी वही होता है जिसका सारा ध्यान विद्या पाने में लगा रहता है। कहने को द्रोणाचार्य के सभी शिष्य धनुर्विद्या के विद्यार्थी थे, किंतु आदर्श विद्यार्थी था अर्जुन। उसे केवल और केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई दिया। अन्य शिष्यों को चिड़िया भी दिखाई दी, पेड़ भी दिखाई दिया, भीम को तो गुरुजी और उनके चरण ही दिखाई दिए। जिस विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ भी दिखाई देता है वह आदर्श विद्यार्थी नहीं हो सकता। उसका ध्यान इधर उधर की बातों में भटकता है। ये होगा आपका प्रस्तावना। फिर आप दिखाएंगे आदर्श विद्यार्थी के गुण। तो आदर्श विद्यार्थी तपस्वी होता है। वह विद्या पाने के लिए हर कष्ट सहता है। उसे दिन रात एक एक करके पाठ याद करने होते हैं। उसे निरंतर साधना और अभ्यास की जरूरत होती है। अच्छा विद्यार्थी अभ्यास को कल पर नहीं छोड़ता, वह आज और अभी अभ्यास करता है। सच तो यह है कि अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है। यदि अर्जुन ने असंख्य बार तीर न चलाए होते तो वह कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाता। अभ्यास की महिमा एकलव्य से भी जानी जा सकती है। एकलव्य के सिर पर तो गुरु द्रोणाचार्य का भी आशीर्वाद नहीं था, फिर भी उसने गुरु की छवि को मन में धारण किया और निरंतर अभ्यास करने लगे। इसी अभ्यास ने उसे अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। यदि आज की बात करें तो हर विद्यार्थी को लिखकर परीक्षा देनी होती है, इसलिए उसे हर अभ्यास लिखकर करना चाहिए, केवल पढ़कर नहीं। फिर आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, ये एडिंग डालोगे। आदर्श विद्यार्थी संयमी होता है। वह सैर सपाटे, खेल तमाशे, वीडियो मोबाइल की भूल भुलैया से दूर रहता है। IAS की परीक्षा के एक सफल विद्यार्थी ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि जिसे यह कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो उसे व्हाट्सएप और गूगल से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी को अपने गुरु में अखंड विश्वास होना चाहिए। फिर आप इसके लिए आप हेडिंग डाल दोगे गुरु के प्रति श्रद्धा। विद्यार्थी को अपने गुरु में अखंड विश्वास होना चाहिए। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा से सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु अपने शिष्य के एक एक दोष को नष्ट करके उसे शुद्ध सोना बना देता है। शिष्यों को भी चाहिए कि वह गुरु की कटु बातों का भी बुरा न माने। गुरु की कटु बातें उसके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। फिर अंत में अपना देखें हमारा घर, ये एक और आता निबंध, और उसमें आप अंत में लिख देंगे जैसे कि हमें एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, उपसंहार लिख के लिखेंगे कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। सदैव एक जगह अपना दिमाग है वो स्थिर रखना चाहिए। गुरु की हमेशा आदर करना चाहिए। यही सफल विद्यार्थी के गुण होते हैं। हमारा घर, तो घर के बारे में तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगला, नेक्स्ट, मेरा जीवन लक्ष्य। हर बच्चा आने वाले कल का सपना देखता है। इसमें आप प्रस्तावना लिखेंगे, हर बच्चा आने वाले कल का सपना देखता है। मेरा सपना छोटा सा है, मैं एक साधारण सा अध्यापक बनना चाहता हूँ। पहले आप देखिए इसमें ना प्रस्तावना आपने को एक ही लाइन की दे रखी है, थोड़ी सी इसको प्रस्तावना बनाइए कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है और वह अपने सपने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। हर बच्चा अपने आने वाले कल का एक सपना लेता है और उस पर चलने के लिए सदैव प्रयत्नशील होता है। वह अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त कर लेता है तो वह अपने जीवन में अपने आप को सफल महसूस करता है। ये प्रस्तावना लिखना। फिर आप लिख देना मेरा लक्ष्य। फिर आप लिखोगे, मैं एक साधारण सा अध्यापक बनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि अध्यापक देश के निर्माता होते हैं। बच्चों को शिक्षा देना उन्हीं का काम है। अध्यापक जैसा चाहते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं। यदि अध्यापक देशभक्त हैं तो बच्चे भी देशभक्त बनते हैं। यदि अध्यापक कामचोर हैं तो छात्र भी कामचोर बनते हैं। पूरी की पूरी पीढ़ी को संस्कार देना महान काम है। मैं इस महान काम में अपना तन मन लगाना चाहता हूँ। फिर आप बताएंगे कि मेरे
लक्ष्य के गुण, या मैं जो अध्यापक बनना चाहता हूँ उसके गुण। मैं ऐसा अध्यापक बनना चाहता हूँ जो बच्चों के जीवन में रुचि ले। मैं पुस्तकें पढ़ाने तक ही बंधना नहीं चाहता, पुस्तकें तो पढ़ाऊंगा ही, असली काम है छात्रों के व्यवहार और चरित्र को उन्नत बनाना। इसके लिए मैं उनके सुख दुख में भाग लूंगा, उनके नजदीक जाऊंगा, उनके मधुर व्यवहार करने की शिक्षा दूंगा। जब ये गलत मार्ग पर चलेंगे तो मैं उन्हें सावधान करूंगा। इस प्रकार अध्यापक मेरी बातें, छात्र मेरी बातें सुनेंगे, वे पढ़ाई में भी रुचि लेंगे और जीवन में भी। फिर नेक्स्ट में आप हेडिंग डालोगे अध्यापक की योग्यताएं। अध्यापक में दो योग्यता का होना आवश्यक है, विषय की पूरी समझ और उसे सरलता से समझाने की कला। जो अध्यापक अपने विषय में कुशल नहीं होते वे छात्रों के साथ अन्याय करते हैं। कुछ अध्यापक विषय तो जानते हैं किंतु अपनी बात को आसानी से समझाना नहीं जानते। दोनों ही अध्यापक असफल होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि छात्र अवस्था में ही अपने विषय को पूरी तरह जान लो। मैं समझाने की कला सीखने की भी पूरी कोशिश करूंगा। लास्ट में लिखेंगे आप उपसंहार। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, ठीक समय से कक्षा में जाऊंगा, खुद अनुशासन में रहूंगा तो छात्र भी अनुशासन में रहेंगे। मैं सब छात्रों से प्रेम से बोलूंगा इसलिए वे मेरे, या फिर आप इसमें प्रतिज्ञा भी लिख सकते हो, मेरी प्रतिज्ञा, इससे वे मेरे समीप आएंगे। मैं नकल या बेईमानी में कभी उनकी मदद नहीं करूंगा। इस प्रकार मैं एक कुशल अध्यापक होने का सपना पूरा करूंगा। मैं कबीर के इस दोहे को पूरी तरह याद रखूंगा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंतर हाथ संवारते वाहर वाहे चोट। तो इसमें आप लिखेंगे प्रतिज्ञा, उपसंहार न लिखे प्रतिज्ञा लिख सकते हो कि हाँ मैं ये प्रतिज्ञा करूंगा। हमारा प्यारा भारतवर्ष, तो इसमें आप अपने आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा में भी आप बता सकते हैं तिरंगा है भारत की आन, बढ़ाए हम सब इसकी शान। फिर आप लिखोगे प्रस्ताव। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें तीन रंग हैं, प्यार से हम इसे तिरंगा झंडा भी कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया है, यह रंग त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस झंडे की शान के लिए भगत सिंह ने अपनी जान दी, अनेक युवा शहीद हुए, यह रंग हमें आज भी कहता है देश के लिए बढ़ चढ़कर बलिदान दो। तो इसमें उपसंहार में, ये प्रस्तावना में आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, प्रत्येक देश का कोई ना कोई एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है, हमारे देश में भी एक राष्ट्रीय चिन्ह है और साथ साथ में एक राष्ट्रीय ध्वज भी है, क्योंकि सभी देश हैं उनका जो मान और मर्यादा है वो उनका ध्वज होता है। इसी तरीके से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और उसमें नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे हम प्यार से तिरंगा झंडा भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लिखोगे इसकी प्रस्तावना, फिर लिखोगे ध्वज केसरिया या तिरंगा, तिरंगे के बारे में ज्ञान या तिरंगे बारे में वर्णन, तिरंगे का वर्णन। तो उसमें लिखोगे आके हमारे राष्ट्र ध्वज में तीन रंग हैं, सबसे जो ऊपर पट्टी है वो केसरिया रंग की है जो हमें त्याग और बलिदान की याद दिलाती है। उसके बाद में मध्य में सफेद रंग है या शांति का प्रतीक है, यह रंग कहता है मिलजुल कर प्यार से रहो, आपस में टकराओ नहीं, मेलजोल से रहो। उसके बाद में सबसे नीचे हरा रंग है, यह सुख और हरियाली का रंग है, यह रंग कहता है फूलो फलो हरे भरे रहो। तिरंगे में एक अशोक चक्र का निशान है, यह हमें हमेशा कहता है चलते रहो रुको मत। फिर आप नीचे लिखोगे यह तिरंगा भारत का निशान है, भारत का सम्मान है, देश की आन है, हमारी शान है। जब भी हम जीतते हैं हम इसको फहराते हैं तब हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाता है, हमारी छाती गर्व से फूल जाती है। फिर आप बताओगे तिरंगे झंडे का गुण गान। पहले ये झंडा सरकारी भवनों पर फहराया जाता था, परंतु अब खुशी और जीत के अवसर पर भी हर भारतीय इसे लहरा सकता है। हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि ये हमारे देश की शान है, हमें इसे कपड़े का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए। या आप इसमें ये भी हेडिंग डाल सकते हो कि तिरंगे के प्रति श्रद्धा, इसे नीचे नहीं गिराना चाहिए, इसे गंदा नहीं करना चाहिए, इसे फाड़ना नहीं चाहिए, इसे सदैव ऊंचा रखना चाहिए, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, इसको प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए एकता में बल है। तो इसमें तो आप एक कोई कहानी सी भी लिखकर इसको बता सकते हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में आपको लिखना होगा इसमें। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये भी आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए दशहरा था और दिवाली।
दिवाली के बारे में आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए आप लिख सकते हो स्वास्थ्य और व्यायाम। ये अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो उत्तम धन है स्वास्थ्य धन, सब कुछ उससे होए, बिना स्वास्थ्य संसार में सब कुछ जाता खोए। तो ये आपकी प्रस्तावना आप लिखोगे, स्वास्थ्य संसार की हर संपत्ति शक्ति और वरदान से बड़ा है। अस्वस्थ व्यक्ति न पढ़ लिख सकता है, न धन कमा सकता है, न किसी की सहायता कर सकता है, नहीं ठीक से खा पी सकता है, और तो और है ठीक से घूम फिर भी नहीं सकता। फिर आप लिखेंगे उत्तम स्वास्थ्य के गुण। संसार के सारे आनंद और सुख स्वस्थ व्यक्ति ही भोग सकते हैं। रोगों से तड़पता व्यक्ति कितना भी धनवान या विद्वान क्यों ना हो, वह हर समय व्याकुल रहता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति रूखी सूखी खाकर भी शांति के साथ सोता है। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। कुछ देर के लिए किसी खुले उपवन में टहलना चाहिए और कुछ शारीरिक व्यायाम अथवा योगासन करने चाहिए। जिन्हें किसी खेल में रुचि है उन्हें कम से कम 1 घंटा खेल खेलना चाहिए। इससे शरीर के सारे अंग मजबूत और चुस्त बनते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन का बड़ा महत्व है। भोजन अधिक न करके भूख के अनुसार ही किया जाना चाहिए। भोजन में सभी प्रकार की दालें, हरी सब्जियां तथा दही का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है तनाव रहित जीना। तो स्वस्थ रहने के लिए शर्तें, स्वस्थ रहने के लिए इसमें हेडिंग डालोगे कि स्वस्थ रहने के लिए शर्तें। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है तनाव रहित जीवन जीना। जो लोग अपने सभी काम समय पर निपटाते हैं, वे किसी तनाव या चिंता में नहीं रहते, न ही हड़बड़ाहट में उनका कोई काम खराब होता है। अतः वह अपने सभी कामों को ठीक समय पर करना चाहिए। फिर आप लिखोगे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद भी आवश्यक है। जिसे अच्छी नींद नहीं आती उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। जो सुखी नींद सोता है उसे और क्या चाहिए। लास्ट में उपसंहार लिखोगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए स्वस्थ रहना सबसे उपयोगी गुण है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ तक आपका ये निबंध कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ निबंध हमें स्वयं को लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है मेरा मित्र, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे कि कुछ रिश्ते होते हैं वो ईश्वर के घर से बनकर आते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें अपने आप चुनने होते हैं। तो मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम खुद स्वयं चुनते हैं। फिर आप नीचे लिखोगे मित्र का स्वभाव या मित्र के गुण। तो हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जो कठिनाई में हमारी सहायता करे, प्रत्येक चाहे हमारा सुख हो चाहे हमारा दुख हो, हाँ सदैव हमारे साथ खड़ा रहे। वो हमें हमारी बुराइयां, हमारे दोष हैं वो भी हमारे सामने प्रस्तुत करे ताकि हम अपने दोषों को सुधार सके। अच्छा मित्र वही होता है जो हमें हमारे गुणों के साथ साथ हमें हमारे दोषों के बारे में भी बताए, ताकि हम समय रहते हमारे दोषों को सुधार सके। आपके और उसके विचार, फिर आप लिखेंगे मेरे और मेरे मित्र के विचार आपस में काफी मेलजोल खाते हैं। मेरा मित्र और मैं दोनों सुबह शाम घूमने भी एक साथ जाते हैं। अगर एक दिन भी मुझे मेरा मित्र नहीं, मित्र के बिना सुनापन, फिर आप देखोगे अगर मुझे एक दिन भी मेरा मित्र नहीं मिलता तो मुझे कुछ सुनापन लगता है और ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा लग रहा है। जीवन में मित्र होना आवश्यक है। हेडिंग डालोगे जीवन में मित्र होना आवश्यक है। जीवन में अगर मित्र नहीं होता तो व्यक्ति अपने आप को काफी अकेला महसूस करता है। अपने मन की बातें वो किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने परिवार मित्र जनों के परिवार और सगे संबंधियों के अलावा सिर्फ अपने मित्र के साथ ही उसको बांट सकते हैं। तो मित्र है वो हमारे सुख दुख का साथी होता है। इसी तरीके से देखिए पुस्तकालय, सत्संगति, किसी मैच का आपको देखा वर्णन। तो ये आपको कुछ लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ताकि आप इनकी मदद से लिख सकते हैं। दूरदर्शन का सदुपयोग, मोबाइल का सदुपयोग, गाय हमारी माता, रक्षाबंधन, प्रातः भ्रमण का महत्व है, अतिथि सम्मान और पुस्तकों का महत्व है। इसमें सब आपको दे रखा है लाइनें। तो इन लाइनों का प्रयोग करते हुए आप चार चार पांच पांच लाइनें अगर प्रत्येक लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आपका निबंध कंप्लीट बन जाएगा। तो बच्चों आज निबंध का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।